हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 24 दिसंबर और अभी टाइम हो रहा है अराउंड 11। जा रहा हूँ फिलहाल ब्रेकफास्ट करने के लिए। बहुत भूखा हूँ यार, सच में बहुत जोर से भूख लग गया है। एंड फिलहाल जा रहा हूँ सिटी सेंटर की तरफ। मैंने शायद कल रिकॉर्ड किया था थोड़ा बहुत सिटी सेंटर की अराउंड, कुछ ऐसे तो नहीं किया, बट आज ही लास्ट डे है मेरा। जितना भी घूमना है आज ही घूमना है। कल मैं जाऊँगा प्रॉबली, कल मैं बेलग्रेड में एक दो दिन रुकूँ, फिर मे भी एक दिन ही एक रात कल रुकूँ वहाँ पे, और फिर मैं वहाँ से चला जाऊँगा नीश पे। नहीं तो मैं सोच रहा हूँ यार, 25 तो हमेशा मैंने कहीं ना कहीं पे हर किसी के साथ में बिताया है, तो इससे बेहतर मैं सोच रहा हूँ इस बार का 25 क्यों ना मैं अकेले में, पहाड़ियों में, सुंदर वादियों में क्यों ना बिताओ। तो भाई साहब, मैं फिलहाल ये गिरोस बॉक्स 350 दिनार वाला जो है यही ले रहा हूँ। एंड फिर से वही दुख की बात, मैं यहाँ पे खा नहीं सकता, मेरे को भूख लगा है। मैं सोचा था यहाँ पे बैठ के खाऊँगा, और ये यहाँ पे सिर्फ चिकन में मिलता है और पॉर्क में मिलता है, तो मैं चिकन ही ले रहा हूँ। आई डोंट लाइक पॉर्क यू नो। एंड गिरोस बॉक्स ले लिया, पेमेंट करना पड़ेगा अभी। कोक इज 90 राइट, कोका कोला। How much is 440 right? Yeah. 440। अभी फिलहाल सिटी सेंटर की तरफ चलते हैं, वहीं पे ही कहीं पे बैठ के खाते हैं इसको। भूख लग गया यार, बहुत जोर से भूख लगा है। मैं सोच बैग रख लिया हूँ मैं यहाँ पे फिलहाल, एंड खाता हूँ मैं। और खाना तो ख़त्म कर लिया मैंने, और फिलहाल मैं जा रहा हूँ बस स्टॉप पे, जहाँ से मेरे को 6 नंबर बस पकड़ना है। 6 नंबर की बस पे हम बैठ गए, तो 100 दिनार हमें देना पड़ा। और लेक पालियक जहाँ पे हम जा रहे हैं अभी, तो आ चुके हैं हम लेक पालियक। और होस्टल वाले जनाब तो मुझे बोले थे कि यहीं पे उतर जाने के लिए, और बस स्टेशन तो यही है, तो हम यहीं पर उतर गए। यहाँ पे कुछ नज़ारा कुछ ऐसा है, अरे जंगल के बीच में से शायद यही वाला रास्ता अंदर जा रहा है लेक पालियक के अंदर। ओ भाई साहब, हाँ भाई लुक आपको पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, ओ देखो एकदम एंड में मुझे यहाँ से लेक दिख रहा है। तेरे नजरों में तेरे सपनों में नाराजी। जगह इतना सुंदर है ना भाई, ये वाला जगह, अगर आप अपना पार्टनर के साथ में आ रहे हो ना, किसी लड़की के साथ में आ रहे हो, और लड़की हो तो किसी लड़के के साथ में आ रहे हो, तो यू विल हैव अ गुड टाइम टुगेदर, आई कैन अश्योर यू दैट, बिकॉज जगह इतना प्यारा है ना भाई। बहुत ज़्यादा रोमांटिक टाइप का जगह लग रहा है मुझे। पार्क पेलियक कॉन्ग्रेसन सेंटर पेलिक, पता नहीं क्या है ये। और जंगल के अंदर में से एक रास्ता जा रहा है, देर कैन वॉक इजीली। और सामने रहा हमारा, एग्जैक्टली ठीक सामने ही है लेक पेलियक, एंड दूर से भी खूबसूरत लग रहा था, और यहाँ से तो भाई साहब और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे भी क्रिसमस का डेकोरेशन हो चुका है। ओ लुक लुक एट इट, जस्ट ये देखो, ये कुछ साइड में ऐसा है, आपको पता नहीं दिखेगा कैसे ये लेक। ओ बट भाई साहब, ऐसे वाला फीलिंग समझ रहे हो ना, क्या मज़ा आ रहा है देख के, क्या ही बताया आपको, अभी दिल खुश हो गया आज। हवा चल रही है काफ़ी अच्छा खासा, और काफ़ी बड़ा देखे यार। लेक काफ़ी बड़ा है, यहाँ से दूसरा वाला साइड तो बहुत दूर दिख रहा है। ओ वाह, ये देखो भाई साहब, हाय हाय हाय। सो ये हेलो पालियक। फिलहाल मैं ये आगे बैठने की एक जगह है, शायद ही बैठने का जगह है, शायद ही हो, मुझे नहीं पता यार। अगर बैठ सकते हैं यहाँ पे तो कुछ देर बैठूँगा मैं यहाँ पे, फिर मैं ये लेक के अराउंड एक वॉक करूँगा।
ठंडी की टाइम पे जितना हवा आ रहा है ना, एज बिकॉज अभी यहाँ पे ठंडा है इसलिए थोड़ा ठंडा लग रहा है, बट भाई साहब समर टाइम पे मज़ा आता होगा यहाँ पे, मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ। ऐसे हवा, ऐसे खुले जगह, किसको नहीं चाहिए। लेक पैली के पास, मतलब उसका ठीक ऑपोजिट में जहाँ पे मैं फिलहाल हूँ, इस साइड में मेरे पीछे आपको लेक पैली दिख रहा होगा, और यहाँ पे एक रास्ता है, और इस रास्ते को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे एक और छोटा सा लेक टाइप का है, आपको दिख रहा होगा आगे, ये कुछ हाँस है जो चल रहा है पानी में, और ये सब एकदम जंगली है। और इस लेक के आसपास में छोटा सा जो लेक है यहाँ पे, इसके आसपास में दूसरे साइड पे कुछ घर वगैरह है, और ये इस लेक पे कुछ इस टाइप की चीज़ें, तो ये पूरा लेक को मतलब को आधा लेक को तो कवर कर चुका है आगे, आपको दिख रहा होगा, और बाकी आधा लेक ऐसे ही साफ है। फिलहाल जा रहा हूँ रिटर्न बस स्टॉप की तरफ। किसी को अगर जेसीबी की खुदाई करना है ना, तो बताओ मुझे, अभी भाई साहब से कांटेक्ट करवा देता हूँ।